मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। महाराज जी के भक्तों से मिलने की श्रृंखला जारी है और आज हम आपको ऐसे भक्त से मिलवाते हैं जिनके पास ढेर सारे अनुभव हैं और जो बचपन में थे अब 55 से ऊपर के हैं। क्यों साहब? मैं कह रहा हूँ लग नहीं रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 55 से 55 की उम्र पार कर चुके हैं। तो प्रदीप दीक्षित जी के पास बहुत ढेर सारे अनुभव हैं। मैं प्रदीप दीक्षित का खुद का एक अनुभव सबसे पहले पूछूंगा कि ये अस्पताल में भर्ती हुए थे। दीक्षित जी, आपका दस्तक मीडिया में स्वागत है। आप अस्पताल में क्यों भर्ती हुए थे, क्या हुआ था? मैं 1964 की बात बता रहा हूँ आपको जी। सन 64 में मैं नैनीताल में बिरला विद्या मंदिर में पढ़ता था जी। फुटबॉल खेलते खेलते जी मैं पहाड़ पे नीचे गिर गया, चला गया। फुटबॉल खेलते खेलते पहाड़ से नीचे पलट गया, चला गया, पहाड़ी पे सरक गया जी। तो वहाँ मेरे पैर में गंभीर चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया जी। स्कूल की तरफ से मुझको रामजे हॉस्पिटल नैनीताल में एडमिट कराया गया। तो वहाँ पे मेरा इलाज शुरू हुआ। 8-10 दिन बाद देखता हूँ कि एक दिन महाराज जी सामने चले आ रहे हैं। अच्छा, उसके पूर्व भी मैं अपने पिताजी के साथ कैंची आश्रम गया था। पिताजी का शुभ नाम क्या है? मेरे पिताजी का शुभ नाम पड़ता है राजकुमार दीक्षित। अच्छा, मैं उनका बेटा हूँ जी। और उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए नैनीताल भेजा था। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जिस एक दिन महाराज जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि बेटा तेरे चोट लग गई हॉस्पिटल में जी। हॉस्पिटल आके उन्होंने मुझसे कहा। अच्छा, बैठ के बाद कहा महाराज जी चोट लगी। बोले तू चिंता मत कर, कल चलने लगेगा। मतलब जैसा लोग स्वप्न में देखते हैं वैसा हुआ था या स्वयं आए थे? नहीं, स्वयं आए थे, मेरे सर पे हाथ फेरा, बोले तू चिंता। जीवन में जी 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 आप बहुत बड़ी बात है। स्वप्न की बात नहीं है, यह यथार्थ है। बात नहीं है, स्वप्न के भी हमने आपको सुनवाए हैं और आज आप सुन रहे हैं। आप पढ़ने भेजे थे और फुटबॉल खेली है ना, खेलनी चाहिए, खेलनी चाहिए, पढ़ने के साथ खेलना भी चाहिए। तो सुनिए, तो महाराज जी के ये कहने के बाद मेरे पास एक असिस्टेंट डॉक्टर खड़े थे, नर्स खड़ी थी। तो उन डॉक्टर महोदय ने कहा कि ये कल नहीं चल पाएगा, इसको ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। डॉक्टर ने बाबा जी से कहा जी, जो बास में खड़े थे जी। तो महाराज जी ने कहा नहीं, ये कल चलेगा, अपने पैरों पे चलेगा। अच्छा, कौन से पैर में चोट लगी थी? दाहिने पैर पे जी जी जी। तो मुझको महाराज जी सर पे हाथ फेरा और चले गए। और उसके दूसरे दिन सुबह क्या होता है कि नर्स मेरे को बॉडी वॉश करा के गीले तौलिए से कपड़े अपड़े चेंज करके जी एक खेलने को छोटा सा खिलौना दे दिया उसने मेरे को। मैं छोटा था उस वक्त। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? रही होगी मैं 8 साल का रहा होऊंगा। 8 साल का? हाँ। तो वो खेलते खेलते खिलौना पलंग से नीचे गिर गया। तो उसे उठाने के प्रयास में मैं खुद पलंग से नीचे गिर गया। पैर में चोट, वो सारा स्ट्रक्चर बंधा हुआ था, उसको ऐसे पकड़ के उठाने के चक्कर में बेड से नीचे गिर गया। तो डॉक्टर और नर्स सब चिल्लाए, पेशेंट बेड से गिर गया, पेशेंट बेड से गिर गया। तो उठाने के लिए दौड़े, तब तक मैं देखता हूँ कि दोबारा महाराज जी आ गए। अच्छा, नेक्स्ट डे। अच्छा, उन्होंने कहा इसको कोई, इस बच्चे को कोई मत छुओ, उठाओगे नहीं, उठाओ नहीं, ये अपने ताकत से उठेगा। डॉक्टर बोला इसकी टांग खराब हो जाएगी। बोले नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर महाराज जी ने मुझसे कहा कि बेटा चलने का प्रयास करो, हिम्मत करो, उठो। मैंने बेड वेड पकड़ के किसी तरीके उठने का प्रयास किया। महाराज जी ने पूछा बेटा दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं हो रहा महाराज जी। बोले अब 2-3 चक्कर धीरे धीरे बैठ के लगाओ अपने पकड़ के। अच्छा, उन्होंने मुझको चलवाया, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। बोले अपनी ताकत से चलो, चलो कोशिश करो। तो मैंने 2-3 चक्कर धीरे धीरे लगाए। बोले दर्द तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ महाराज। तो बोले अब तू चिंता मत कर, तू ठीक हो गया, ठीक हो गया, तेरी घर से कल गाड़ी आएगी, तेरी बड़ी बहन की शादी है, तो कानपुर चले जाना। आप कानपुर के ही रहने वाले हैं? जी, प्रॉपर कानपुर के रहने वाले हैं। उस वक़्त मैं वहाँ पढ़ता था जी। तो दूसरे दिन मेरे यहाँ की गाड़ी आ गई, मेरे मामा जी आ गए। उन्होंने कहा कि भैया घर ले चलना है तुमको, दीदी की शादी है।
तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे पता है, महाराज जी ने बताया। बोले महाराज जी ने बताया? महाराज जी कब आए? हमका कल भी आए थे, परसों भी आए थे, और ऐसी ऐसी घटना घटी है महाराज जी की मेरे साथ जी। तो वो बोले, मेरे मामा जी बोले, वो भी जाते थे मेरे पिताजी के साथ, बोले भैया तुमको आशीर्वाद मिल गया, अब तुम ठीक हो गए। तो उन्होंने डॉक्टरों से वार्ता करी कि इनकी छुट्टी कर दी जाए, तो डॉक्टरों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपके कहने से इनकी छुट्टी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्कूल मैनेजमेंट ने इनको एडमिट किया, वहाँ से लिखवा के लाइए तब ये छुट्टी रिलीज़ करेंगे जी। तो वो दूसरे दिन स्कूल जाके वहाँ से लिखवा लाए, तो उसके बावजूद डॉक्टरों ने मेरे पक्का प्लास्टर बांधा और दवा का पूरा फाइल बनाई कि ये इलाज चलेगा, ऐसे ऐसे दवा खानी है आपको जी। तो जुलाई का महीना था, मैं यहाँ आ गया कानपुर। यहाँ बहुत गर्मी थी, गर्मी की वजह से परेशानी हो रही थी प्लास्टर, तो प्लास्टर मैंने पूरा खोल दिया जी। मेरी मदर ने देखा कि इसने तो पूरा प्लास्टर निकाल दिया है, तो उन्होंने फादर को इन्फॉर्म कराया कि इसने तो पूरा प्लास्टर ही अपना निकाल दिया। तो मेरे फादर ने डॉक्टर को भेजा, घर डॉक्टर आए, उन्होंने मुझको चलाया कि बेटा चलो थोड़ा उठो बैठो देखें। तो उन्होंने मेरी मदर से कहा कि बहन जी इसके तो कोई चोट नहीं, प्लास्टर क्यों लगाया गया इनके? तो मेरी मदर ने कहा भैया पता नहीं, और ये इलाज चल रहा है, फाइल दे दी उनको। उन्होंने पूरा बड़ा बोली बहन जी इतने बड़े हॉस्पिटल की ये फाइल है, फाइल कहती है कि इसको गंभीर चोट है, गंभीर चोट है, सीरियस। और मैं जो अपनी आँख से देख रहा हूँ वो लग रहा है कि इसको कभी चोट ही नहीं लगी। तो मेरी मदर ने कहा भैया अब आप रहन दीजिए, हमारी समझ में आ गया। आ गया। तो वो दिन है और आज का दिन है, मेरे कभी उस पैर में तकलीफ नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ जीवन में, अभी कोई दर्द नहीं, कभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। वर्तमान में 66 साल पूरा कर चुका हूँ और कोई कष्ट नहीं है। 66 साल मुझे लगता है ये बात सही नहीं बोल रहे हो, ना उम्र तो पता है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 जनवरी सन 55 है। नहीं मैं बता रहा हूँ, और मैं जब भी कैंची आश्रम जाता हूँ तो यहाँ अपनी गाड़ी से जाता हूँ, कोई ड्राइवर नहीं, खुद सेल्फ ड्रिवेन है, 600-700 किलोमीटर पर डे आज भी गाड़ी चलाने की कैपेसिटी में हूँ। इसलिए रेगुलर कैंची प्रयास मेरा अब यह है पिछले 2 साल से कि मैं हर महीने जाने का प्रयास करता हूँ। आपको मैंने एक कथा सुनाई थी यही कि एक बालक किस तरह से फुटबॉल खेलते खेलते गिर गया था, फिर महाराज जी उस हॉस्पिटल में उसे देखने गए, किस तरह से वो गिरा बेड से और किस तरह से उसके साथ क्या हुआ, और आज हमने उस बालक को ढूंढ निकाला है ना। मैं बालक अभी डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं तो बालक ही कहता हूँ इसलिए क्योंकि जीवन में हर आदमी बालक के रूप में बना रहे तो वो आनंद से रहता है। दीक्षित जी आपने ये अनुभव दस्तक मीडिया को सुनाया, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और सच में ये बातें कभी आपके ज़िंदगी में कभी कोई चोट होती है, आपको कोई दर्द होता है, तो आप बिल्कुल इसी तरह याद कीजिएगा, महाराज जी आएंगे और वो हर लेंगे। आपके दूसरे अनुभव के लिए मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे